हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसेसियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको आवाज़ में थोड़ी सी भी नॉइजी लग रही हो या फिर थोड़ा सा भी आपको अलग लग रही हो, क्योंकि अभी मेरे को जुकाम है और मेरे को थोड़ा सा फीवर भी है, तो उसकी वजह से जो आवाज़ है वो थोड़ी सी ऐसी रहेगी आज, तो उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल देती हूँ, थोड़ा सा बियर कर लेना। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम होगा वो कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम डे वाले दिन आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, और एग्जाम डे वाले दिन आपकी चीजें बेटर हो उसके लिए अभी से आप, जैसे आपके पास 15 दिन के अराउंड है, तो आप कौन सी चीजें कर सकते हो जिससे आप एक बेटर रिजल्ट निकाल सकते हो, वो सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है। वीडियो को अगर कम टाइम के अंदर देखना चाहते हो तो वीडियो को 1.5x के ऊपर या 1.75x जिसके ऊपर भी आप कंफर्टेबल हो उसके ऊपर करके अपना कम टाइम के अंदर इस वीडियो का कंप्लीट कंटेंट्स जो है वो देख सकते हो और सुन सकते हो। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, वो अभी से आप लोगों को स्टार्ट करनी होगी कि आपके एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए एक सीक्वेंस बना लो। सीक्वेंस इन द सेंस कि जैसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, जैसे चार सब्जेक्ट है यूजुअली, लाइक किसी की जीएस ठीक है तो उसने डिसाइड किया कि पहले मैं जीएस करूंगा, फिर कंप्यूटर करूंगा, फिर रीजनिंग करूंगा, फिर मैथ्स करूंगा। किसी का मैथ्स अच्छा है, उसको लगता है कि मैं 10 मिनट के अंदर मैथ्स निपटा दूंगा, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं पहले मैथ्स करूंगा, उसके बाद रीजनिंग करूंगा, फिर मैं कंप्यूटर करूंगा, फिर मैं जीएस करूंगा। तो ऐसे ही आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली जो भी आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो एक सीक्वेंस है वो सेट कर सकते हो। मेरा यूजुअली ये रहता था जब मैं एसएससी के एग्जाम्स देती थी अपनी, मैं जीएस को सबसे पहले अटेम्प्ट करती थी, फिर इंग्लिश करती थी, फिर मैं रीजनिंग करती थी और फिर मैं मैथ्स करती थी। तो आप लोग भी ऐसे अगर करना चाहो तो जीएस, उसके बाद में कंप्यूटर, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स, इस तरीके से अपनी सीक्वेंस बना सकते हो या जो भी आप कंफर्टेबल हो एक सीक्वेंस बना लो। उसके बाद में दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हर सेक्शन को कितना टाइम आपको देना है वो डिसाइड कर लो कि मैथ्स का अगर सेक्शन है तो उसमें ऑलमोस्ट मुझे कितना टाइम लगता है, रीजनिंग का है तो कितना टाइम लगता है, जीएस का है तो उसके अंदर कितना टाइम लगता है। जैसे अगर आपका जीएस है 50 नंबर की जीएस आपकी आती है तो आपने डिसाइड कर लिया कि लेट से 20 मिनट आपको जीएस को देनी है। 20 मिनट बहुत ज़्यादा होती है जीएस को, आप 10 मिनट के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। 20 मिनट आपने डिसाइड कर लिया क्योंकि पेपर के अंदर इनफ टाइम है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 मिनट के अंदर आपके वो हो जाएंगे। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट आपने मान लिया कि उसके अंदर आपकी लग जाएंगी। बाकी का जो टाइम है आपका 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं तो 20 मिनट के अंदर आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो बचा हुआ टाइम बचेगा उसके अंदर आप रिवीजन कर सकते हो, जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस थे वो देख सकते हो, और अपने जो क्वेश्चंस ऐसे रह गए थे जो आपसे उस टाइम के अंदर नहीं हुए थे उनको दोबारा जाके दोबारा देख सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि इससे आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर फंसोगे नहीं, आपको एक पूरा पैटर्न पता रहेगा कि लगभग मुझे इतना टाइम लगता है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए या किसी भी सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपका टाइम उससे ऊपर जा रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल आएगा ब्रेन से कि आपको स्विच करना है, अगले सेक्शन के ऊपर आपको जाना है, तो आप स्किप करते रहोगे, किसी भी क्वेश्चन के साथ में अटकोगे नहीं। तो ये आर्ट ऑफ स्किपिंग जो है वो आपके टाइम की वजह से आती है। जब आप एक टाइम डिसाइड कर लेते हो तभी आप लोग इस आर्ट ऑफ स्किपिंग का जो है यूज़ कर पाओगे। इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के जिसका लाइव मॉक टेस्ट आता है उनका कर सकते हो, टेस्ट बुक के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ओले बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट आता है या किसी का भी लाइव मॉक टेस्ट होता है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी भी मैं आप लोगों को एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ प्रैक्टिस मॉक्स की तरफ से, ये फ्री मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मैंने लिंक दे दिया है, सारे लोग जाके अटेम्प्ट करना है इसको। ये पूरी वीडियो जब आप देख लो तो ये एक एक चीज को इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको इंप्लीमेंट करके देखना है और आपको देखना है कि आप कितने बेटर तरीके से अपने जो एग्जाम है उसको अटेम्प्ट कर पाते हो। उसके बाद में जो आपका
हर एक सेक्शन के लिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कितना टाइम देना है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एक चीज़ होगी आपके साथ में कि एग्ज़ाम में जब आप बैठे होगे तो हर एक क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं होगा। स्पेशली ये केस होगा रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग में एक क्वेश्चन बना रहे होगे, बहुत देर तक आपका नहीं बनेगा वो क्वेश्चन, या आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्वेश्चन मुझे आता है और वो आपको हिट नहीं हो रहा होगा, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है उस टाइम के लिए। दोबारा के जो सेक्शन, जो सेकेंड राउंड होगा आपका, उस राउंड के अंदर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो आपका एग्जाम होता है उसको दो या तीन राउंड के अंदर यूजुअली अटेम्प्ट करना अच्छा माना जाता है, जिसमें पहले राउंड के अंदर आप वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो आपको 100% आते हैं, कि मतलब आपको आते हैं और आपने देखा, आपको पता है सीधा, आपको फॉर्मूला पता है उसका, मेथड पता है कि कैसे इसके ऊपर आपको काम करना है, और जिसके अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होने वाली है, वो क्वेश्चन आप किस में करोगे, फर्स्ट राउंड में करोगे। उसके बाद सेकंड राउंड जो होता है आपका, उसके अंदर आपको वो क्वेश्चंस करने होते हैं जिसको आपको पता है कि आपको आते हैं लेकिन आपसे टाइम लगेगा इसके अंदर, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में डालना है। हर एक क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में नहीं डाल देना है, जैसे कि आप फर्स्ट वो में पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, 60 क्वेश्चन आपसे हो गए, 40 क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिए और 20 मिनट आपके पास में बची हुई है, तो 20 मिनट आपकी यही देखने में निकल जाएंगे कि 40 क्वेश्चन में से कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो आप कर सकते थे। इसलिए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में डालना जिनको आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा लेंथी है या मुझे आता है, अभी मेरे को स्ट्राइक नहीं हो रहा है, मैं इसको थोड़ी देर बाद में कर लूंगा। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था उसको मार्क फॉर रिव्यू में भी डालने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपली अनअटेम्प्टेड छोड़ना है। आप जो एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, उनको शायद ये मार्क फॉर रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा होगा। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो नीचे आपके पास में एक ऑप्शन शो होता है जिसमें मार्क फॉर रिव्यू लिखा होता है, तो उस ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो क्वेश्चन आपका आगे हो जाएगा और वो ब्लू कलर का आपको दिखने लग जाएगा जो साइड का पैनल होता है उसके अंदर। तो फिर जब आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके होगे, जैसे आप पहले क्वेश्चन से लास्ट 100 क्वेश्चन 100th क्वेश्चन के ऊपर पहुंच चुके हो, उसके बाद में आप क्या करोगे, सिर्फ वो जो ब्लू क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपके, उन उनके ऊपर जाके क्लिक करके देखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे करना था, तो सेकंड गो में आप फटाफट से जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस हैं वो निपटा दोगे। उसके बाद 10 से 12 मिनट में मान लिया आपने मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन निपटा दिए, उसके बाद में आपके पास बच जाएगा ब्लाइंड गेस का एक, जो आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला या ऑप्शन एलिमिनेशन या जो भी अलग अलग मेथड्स हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो वो चीज आप कौन से अटेम्प्ट में करोगे, थर्ड अटेम्प्ट गो में करोगे, जब आपके पास में जो आपको 100% आते थे वो भी हो गए, जो लेंथी थे या आपको सोचने के अंदर टाइम लग रहा था वो क्वेश्चन भी हो गए। अब आपके पास में लगभग 75 से 80 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, अभी आप लोगों के पास में टाइम है जिसके अंदर आप बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने जो अटेम्प्ट है उसको बेटर कर सकते हो। उस सिचुएशन के अंदर दो तीन मेथड्स होते हैं, एक ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड होता है, एक 50-50% का चांसेस होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन का क्या होता है कि आप क्वेश्चन को देख के, उसको पढ़ के ये डिसाइड कर पा रहे हो कि ये और ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, या तीन ऑप्शन ही आपने एलिमिनेट कर दिए कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, या ये ऑप्शन तो एक दूसरे से मिलते ही हुए हैं तो जो अलग ऑप्शन है वही होगा। इंग्लिश के अंदर तो स्पेशली ये बहुत बार देखा जाता है कि तीन जो ऑप्शन होते हैं वो सिनोनियम होते हैं और एक एंटोनियम होता है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि वो वाला ही आपका आंसर होने वाला है। तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड्स होते हैं, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उसके बाद आंसर को पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको कुछ ना कुछ एक पैटर्न दिखेगा कि ये तीन ऑप्शन नहीं हो सकते, ये ऑप्शन हो सकता है, तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद में एक मेथड होता है 50-50 की, लाइक आपको लग रहा है कि दो आंसर तो इसके बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, कि ये और ये आंसर नहीं होने वाला है, इन दो आंसर्स में से एक आंसर इसका हो सकता है, उस टाइम के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप 50-50 का चांस ले सकते हो कि या तो आपको ये होगा या ये होगा, 50% प्रोबेबिलिटी है ठीक होने की, तो उस चांस के अंदर आप अपना जो क्वेश्चन है, मैं यही बोलूंगी कि अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं तो तीसरा ऑप्शन, जो भी आपको दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप जरूर टिक करके आना, क्योंकि उससे आपके ठीक होने के चांसेस जो है वो काफी अच्छे रहेंगे और आपका जो स्कोर है वो ऑल ओवर इंप्रूव हो सकता है। उसके बाद में एक थर्ड मेथड आता है
ब्लाइंड गेस का। ब्लाइंड गेस वाला मेथड ऐसे ही आप अपने एग्जाम के अंदर जाके अप्लाई नहीं कर सकते हो। ब्लाइंड गेस क्या होता है कि आपने रेंडमली कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी आपने तुक्का लगा दिया, उसके अंदर क्या होता है कि जितने क्वेश्चन आपके बच गए, जैसे आपने सारे मेथड्स यूज कर लिए, 10 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, उन 10 क्वेश्चन के अंदर आपने सबका बी लगा दिया, सबका सी लगा दिया, कुछ भी एक डिसाइड कर लो और वो सबका लगा दो, तो उसमें क्या होता है आपकी 25% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका आंसर ठीक हो सकता है, क्योंकि चार ऑप्शन है, चार में से एक तो ठीक होगा ही, तो 25% आपके चांसेस होते हैं कि आप आंसर ठीक कर लो। उसको ऐसे ही ब्लाइंड गेस नहीं लगा सकते हो आप। अगर आपको ब्लाइंड गेस लगाना है तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी 5 मॉक टेस्ट अभी आप उठाओ और 5 मॉक टेस्ट के अंदर आप ब्लाइंड गेस लगा के देखो। ब्लाइंड गेस लगा के देखने के बाद आप अपना आंसर कैलकुलेट करो कि जो टोटल मार्क्स हैं आपके वो कैलकुलेट करो। अगर आपका जो स्कोर है वो प्लस में जा रहा है ब्लाइंड गेस की वजह से, कि आपने 5 क्वेश्चंस के ब्लाइंड गेस लगाए थे, 5 ठीक हो गए, आपने 10 के लगाए थे, आपके 4 ठीक हो गए, 6 गलत हो गए, तो आपका आंसर प्लस में जा रहा है। अगर आपका 0.5 पर भी आपका अगर स्कोर प्लस में जा रहा है, तो आप अपना जो ब्लाइंड गेस है वो यूज़ कर सकते हो। वो आपके सारे पेपर के अंदर सेम सिचुएशन रहनी चाहिए। 5 मॉक टेस्ट जो भी आप नेक्स्ट लगाओगे उसके अंदर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ब्लाइंड गेस वाला मेथड यूज़ करके देखोगे। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो ही उसको यूज़ करना है। बहुत लिमिटेड लोग इसको यूज़ करते हैं। हर कोई अपना जो नेगेटिव मार्किंग जब होती है, हर कोई ऐसा नहीं होता कि जो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है। कुछ लोग होते हैं जो इस मेथड को ऑलरेडी अपना प्रूव कर चुके होते हैं कि हाँ मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो, फाइनल कर चुके हो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इस मेथड के साथ में जा सकते हो। अदरवाइज आपको कोई भी जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन और 50-50 वाले जो आंसर्स हैं वो लगाना है, और जो आपको अच्छे से आते हैं वो क्वेश्चन करने हैं, बाकी क्वेश्चन आप छोड़ के आ सकते हो। उसके बाद में जो आपकी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको अभी अपने एग्ज़ाम के लिए यूज़ करनी है, जो अपने मॉक टेस्ट के टाइम पे आपको यूज़ करनी है, एक क्या करना है आपको, कोशिश करनी है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, तो जिस टाइम के ऊपर आपका एग्ज़ाम है, आपका एडमिट कार्ड या स्टेटस आ जाएगा, तो उसी टाइम के ऊपर आपको अपना जो मॉक टेस्ट है वो लगाने की कोशिश करनी है। जो भी लोग रात को पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, उन सारे लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि लास्ट के 10-15 दिन के अंदर आप लोग दिन में जागना शुरू कर दो, रात को सोना शुरू कर दो, क्योंकि जो हमारी दिमाग होता है, हमारी बायोलॉजिकल साइकिल होती है, उसके अंदर ऐसा ही होता है कि आप अगर पूरा दिन सोते रहते हो तो आपका दिमाग भी कहीं ना कहीं उसी स्टेज के अंदर रहता है, और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो एग्ज़ाम के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी से आप लोगों को हैबिट बनानी है कि आप दिन के अंदर जागो, रात में अपना सो। थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस होगी पढ़ने में, लेकिन ये चीज़ आपको हेल्प करेगी जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम के ऊपर। उसके बाद जब भी आप मॉक टेस्ट लगाने बैठो तो एक सीरियस माहौल में मॉक टेस्ट लगाओ, कि मतलब सीरियसली आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, एग्जाम की तरीके से उसको लगा रहे हो, क्योंकि ऐसे ही रैंडमली मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो उसकी वजह से आपको स्कोर के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, और क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए उसका एटीट्यूड ही वैसा बन जाएगा आपको कि बहुत कैजुअली आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं जब आपका फाइनल एग्जाम होगा उस दिन में आप ऐसा ही एटीट्यूड के साथ में क्वेश्चंस को पढ़ोगे, और उसकी वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए भी अभी मैं एक वीडियो प्लान कर रही हूँ जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो आपको बहुत जल्दी सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड कर सकते हो उसके ऊपर भी एक वीडियो देने की कोशिश करूँगी मैं। इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट को पोज नहीं करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम के अंदर पोज नहीं कर पाओगे, तो अभी भी विदाउट पोज किए 1.5 घंटा बैठने की आदत बनाओ, उस प्रेशर को झेलने की आदत बनाओ। अगर एक पेपर टफ आया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको कैसे सर्वाइव करना है, पेपर इजी आया हुआ तो उस कंडीशन में कैसे सिली मिस्टेक्स को आपको बचाना है, कैसे अटेंटिव रह के आपको पेपर देना है, अगर साइड में कोई शोर कर रहा है तो उस सिचुएशन में अपने आपको काम रख के कैसे पेपर देना है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है आपके एग्जाम के अंदर क्या होने वाली है, ठंड होने वाली है, गर्मी होने वाली है, सफोकेशन होने वाली है, तो हर एक कंडीशन के लिए अपने आप को रेडी रखो। उसके साथ साथ में एक एग्जाम देते हुए हमेशा आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है, कभी भी 100% कुछ भी टारगेट नहीं करके चलना है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको ये नहीं सोच के चलना है कि इसमें तो कैसे भी मेरा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए,
कोशिश यही रखो कि ना कटे, लेकिन बाय चांस ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन पेपर टफ आ जाता है या कुछ भी सिचुएशन ऐसी होती है और आप ये सोच के बैठे हुए हो कि नहीं मेरा तो कोई नंबर कटना ही नहीं चाहिए, और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि आप अपना जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, तो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड कर लोगे जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और सारा पेपर आप स्पॉइल कर लोगे। इसलिए कभी भी ये मान के नहीं चलना है कि आपका उस पेपर के अंदर उस चीज़ के अंदर 100% स्कोर होगा। आपको सिर्फ ये मान के चलना है कि जो भी पेपर होगा उसके अंदर मैं अपना बेस्ट दूंगा, जितना भी आता होगा, जितना भी पेपर जैसा भी पूछा गया होगा उसके अंदर मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगर पेपर बहुत टफ होगा तो भी मेरा सिलेक्शन होगा, पेपर बहुत आसान होगा तो भी मेरा सिलेक्शन होगा। और कोई भी क्वेश्चन या पेपर आपको ऐसा लगता है कि बहुत टफ आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको हमेशा दिमाग में ये चीज़ बिठा के रखनी है कि वो टफ हर किसी के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। एक एटीट्यूड में हमेशा ही बोलती हूँ ये चीज़, अब तो शायद काफ़ी दिन हो गए बोले हुए, कि अगर मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। ये एटीट्यूड लेके आपको अपने एग्जाम के अंदर जाना है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर वो किसी को नहीं आ रहा है। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ में जाओगे तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे और टफ पेपर के साथ भी आपको कम्पीट करने की जो सिचुएशन है वो आप डील कर पाओगे। किसी का पेपर आसान आया है, मुश्किल आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा उसका। जो भी आप, अगर आपका पेपर मुश्किल आ गया है तो आप अगर कम भी अटेम्प्ट कर पाए तो भी आपका स्कोर जो है वो बढ़ के बराबर हो जाएगा। इसलिए जो भी पेपर आपका आता है बस उसके अंदर बेस्ट देना है, कामली अपना परफॉर्म करना है और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देना है। होपफुली आपको ये सारी चीजें हेल्प की होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।